हेलो स्टूडेंट्स, वी आर रीडिंग चैप्टर 4 ऑफ क्लास 3। रोहन इज इल, रोहन बीमार है। डॉक्टर और रोहन के बीच में कन्वर्सेशन है। रोहन डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर और रोहन के बीच में क्या बातें होती हैं वो हम पढ़ेंगे। रोहन, मे आई कम इन डॉक्टर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ डॉक्टर? डॉक्टर, यस प्लीज कम इन, हाँ कृपया अंदर आइए। रोहन, गुड मॉर्निंग डॉक्टर। सुप्रभात डॉक्टर। डॉक्टर कहते हैं गुड मॉर्निंग रोहन, सुप्रभात रोहन, हाउ आर यू, तुम कैसे हो? रोहन, आई हैव फीवर सिंस लास्ट नाइट। डॉक्टर, आई कुड नॉट स्लीप एट ऑल। रोहन कहते हैं मुझे कल रात से बुखार है, मैं ठीक ढंग से सो नहीं पाया। डॉक्टर, लाय डाउन, लेट जाइए। लेट मी एग्जामिन यू, मैं तुम्हारी जांच करता हूँ। रोहन लाइज डाउन, रोहन लेट जाता है। डॉक्टर एग्जामिन्स हिज पल्स, स्टमक एंड चेस्ट। रोहन लेट जाता है। डॉक्टर रोहन की पल्स यानी नसें, पेट और चेस्ट की जांच करता है। डॉक्टर, प्लीज शो मी योर टंग, नाउ शो मी योर थ्रोट। डॉक्टर कहते हैं मुझे अपनी जीभ दिखाइए और अब शो मी योर थ्रोट, गला दिखाइए। रोहन डज एज द डॉक्टर से, रोहन वैसा ही करता है जैसे डॉक्टर कहते हैं। डॉक्टर, यू हैव ए स्वेलिंग इन योर थ्रोट, तुम्हारे गले में सूजन है। बाय द वे, वैसे What did you eat yesterday? कल तुमने क्या खाया था? रोहन, Yesterday there was a function in my school. डॉक्टर, रोहन कहता है कल मेरे स्कूल में फंक्शन, कार्यक्रम था। फंक्शन यानी कार्यक्रम था। डॉक्टर, I ate पनीर, दाल एंड राइस, मैंने पनीर, दाल और चावल खाए। I also ate ice cream, और मैंने आइसक्रीम भी खाई। डॉक्टर, डू नॉट ईट एनीथिंग फूड फॉर 2 or 3 days. डू नॉट ईट एनीथिंग कोल्ड फॉर 2 or 3 days. तुम्हें 2 से 3 दिन तक कुछ भी ठंडा नहीं खाना है। ड्रिंक बॉइल्ड वाटर एंड टेक कंप्लीट रेस्ट, उबला हुआ पानी पीना है और पूरी तरह से आराम करना है। आई एम गिविंग यू सम पिल्स एंड ए सिरप, मैं तुम्हें पिल्स यानी गोलियां, सिरप यानी पीने की दवाई देता हूँ। टेक 2 पिल्स एंड 1 टेक 2 पिल्स एंड 1 टी स्पून फुल ऑफ द सिरप 3 times a day. तुम्हें 2 गोलियां और 1 चम्मच पूरी भरी हुई सिरप की यानी दवाई पीने की 3 times a day, 3 टाइम लेनी है। तुम्हें 3 टाइम 2 गोलियां और 1 चम्मच पूरी फुल सिरप की लेनी है। रोहन, मे आई गो टू स्कूल टूडे डॉक्टर, रोहन कहता है क्या मैं आज स्कूल जा सकता हूँ? डॉक्टर, नो हैव ए कंप्लीट बेड रेस्ट फॉर 2 days, नहीं तुम्हें बिल्कुल पूरी तरह से आराम करना चाहिए 2 दिन के लिए। तुम्हें क्या करना है, 2 दिन के लिए पूरी तरह से आराम
करना है। अ टू डेज ब्रेक फ्रॉम स्कूल वुड नॉट हार्म यू मच। अगर तुम 2 दिन के लिए ब्रेक लोगे तो तुम्हें कोई हानि नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई 2 दिन की छुट्टी लोगे तुम तो कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई हानि नहीं है। हार्म यानी हानि। रोहन, थैंक यू डॉक्टर। रोहन डॉक्टर को धन्यवाद कहता है। डॉक्टर, टेक केयर रोहन, ध्यान रखना रोहन। अपना डॉक्टर कहते हैं अपना ध्यान रखना रोहन। अब इसमें रोहन और डॉक्टर के बीच में कन्वर्सेशन है, बातें की गई है इसमें। रोहन की तबीयत खराब थी, उसको फीवर था, तो वो डॉक्टर के पास में गया। डॉक्टर ने इसकी जांच की, फिर डॉक्टर ने बताया कि तुम्हारे गले में सूजन है। उसके गले में सूजन थी, और ये सूजन क्यों थी? क्योंकि उसके स्कूल में फंक्शन था और उसने वहाँ पे दाल चावल पनीर और ठंडी आइसक्रीम भी उसने खाई थी। इस वजह से उसे गले में सूजन और फीवर हो गया था, बुखार हो गया था, और वो स्कूल नहीं जा पा रहा था, इसलिए वो डॉक्टर के पास में गया। डॉक्टर ने उसे 2 पिल्स, 2 गोलियां और 1 सिरप पीने वाली दवाई उसे दी, और वो डॉक्टर ने कहा कि अच्छे से पूरी तरह से आराम करना है। फिर रोहन ने पूछा क्या मैं स्कूल जा सकता हूँ, तो डॉक्टर ने मना किया कि कोई दिक्कत नहीं है, अगर 2 दिन स्कूल नहीं जाओगे तो कोई भी हानि नहीं होगी, तुम्हें 2 दिन के लिए अच्छी तरह से आराम करना चाहिए। फिर रोहन कहता है थैंक यू डॉक्टर, धन्यवाद डॉक्टर। डॉक्टर कहते हैं अपना ध्यान रखना। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं वर्ड मीनिंग। एग्जामिन यानी टेस्ट, जांच करना। स्टोमक यानी कि पेट, एन ऑर्गन ऑफ द बॉडी वेयर द फूड इज स्टोरेड। हमारे शरीर का जो अंग है जहां पे खाना स्टोर रहता है, यानी कि पेट। ए मर्मरिंग साउंड यानी कि स्वीकृति देना। स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन। पिल्स यानी कि टेबलेट, गोलियां। सिरप दवाई होती है जो पीने की, ए सॉल्यूशन ऑफ मेडिसिन मिक्स्ड विथ शुगर। मीठी पीने की दवाई। अब फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन बिलो। द चाइल्ड रेस्पेक्ट्स हिज पेरेंट्स। पेरेंट्स, द स्टूडेंट लिसन्स टू हिज टीचर। टीचर्स, द शॉपकीपर सेल्स हिज गुड्स। द गार्डनर वाटर्स हिज प्लांट्स। द डॉक्टर एग्जामिन्स हिज पेशेंट। द टीचर टीच हिज स्टूडेंट। द टीचर टीचेस हिज स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, पेरेंट्स लव देयर चिल्ड्रन। द क्लर्क ओबेज हिज ऑफिसर्स।
The mechanic repairs his machine. The postman delivers the letters. The children, the child respects his parents. The student listens to his teachers. The shopkeeper sells his goods. The gardener waters his plants. The doctor examines his patients. The teacher teaches his students. Parents love their children. The clerk obeys his officer. The mechanic repairs his machine. The postman delivers the letters. अब नेक्स्ट करते हैं. पुट द मिसिंग लेटर्स इन द फॉलोइंग वर्ड्स. ये लेटर्स दे रखे हैं, खालिस्तान है, इनको हमें सही स्पेलिंग भर के करेक्ट करना है. जैसे डी ओ सी टी ओ आर डॉक्टर यानी चिकित्सक. थ्रॉट टी एच आर ओ ए टी थ्रॉट यानी गला. ये है बी ओ आई एल ई डी बॉइल्ड यानी उबला हुआ. ओ डबल एफ आई सी ई ऑफिस यानी कार्यालय. पी आई डबल एल एस पील्स यानी गोलियां. अब इसे हमें लर्न करना है. अब ये बताओ ये नेक्स्ट करते हैं. यू हैव रीड इन द चैप्टर द यूज ऑफ गुड मॉर्निंग थैंक्स यू थैंक यू सॉरी एक्सेट्रा. नाउ टेक द ट्रू स्टेटमेंट्स एंड क्रॉस द रॉन्ग स्टेटमेंट्स. जो सही है उस पर सही का निशान लगाना है और जो गलत है स्टेटमेंट उस पर रॉन्ग का निशान लगाना है. गलत क्रॉस. Say sorry when you take something wrong. Wrong. Say good morning to your elder. True. Say good night when you go to your bed in the night. True. Say please when you ask something. Say please when you ask something wrong. Say thank you when you meet your teachers wrong. Thank you.